हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप प्रदेश में सुशासन कायम करने के उद्देश्य से माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सतपुड़ा के आदिवासी अंचल में बसे भीकन गांव में अवैध उत्खनन का कार्य लंबे समय से जोरों से किया जा रहा है, जिसकी सूचना एवं शिकायत नवागत एसडीएम भीकनगांव ओम नारायण सिंह को प्राप्त हुई थी कि क्रेशर मशीन संचालक प्रेमलाल तंवर द्वारा नियम विरुद्ध खनिज उत्खनन किया जा रहा है, जिस पर एसडीएम ओम नारायण सिंह ने आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज किया। इसी तारतम्य में कलेक्टर खरगोन अनुग्रह पी के निर्देश पर राजस्व, खनिज तथा पुलिस विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम महुफाटा तहसील झिरनिया में खनिज, गिट्टी, चूरी का भारी मात्रा में अवैध रूप से उत्खनन, परिवहन, भंडारण तथा विक्रय करते पाए जाने पर प्रेमलाल पिता रामचंद्र तंवर निवासी मारूगढ़ के विरुद्ध पुलिस थाना चैनपुर में मध्य प्रदेश खनिज, जिसमें अवैध खनन, परिवहन, भंडारण तथा विक्रय निवारण है, 2006 की धारा 18(1) तथा धारा 379 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि भीकन गांव व झिरनिया क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन का धंधा जोरों पर है, जिसके चलते शासन को करोड़ों का नुकसान होता आ रहा है। माफियाओं द्वारा राजनीतिक रसूख के चलते बेखौफ ढंग से आदिवासी अंचल में उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। भीकन गांव से हमारे सहयोगी प्रवीण गंगराड़े की रिपोर्ट। सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये अवैध उत्खनन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा मुझे एक आवेदन आया था, उस आवेदन के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे और एक ज्वाइंट मीटिंग थी कलेक्टर एसपी साहब की। उसमें कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने कहा था कि जो भी अवैध उत्खनन है उसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। किस तरह की कमेटी बनेगी सर? इसके अंतर्गत क्या हुआ कि हमको लगा कि एक अवैध उत्खनन की शिकायत आई थी, उसके अंतर्गत एक त्रिस्तरीय मैंने कमेटी बनाई थी। उसमें राजस्व विभाग के अधिकारी, खनिज विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी थे। उनका मुख्य उद्देश्य था फील्ड में जाकर के जो ये शिकायत प्राप्त हुई है इसके संबंध में जांच करें और जो भी वहाँ पर वस्तु स्थिति खनिज एक्ट के अंतर्गत, राज्य माइनिंग एक्ट के, खनिज एक्ट के अंतर्गत है और लैंड एक्ट के अंतर्गत है या अन्य पुलिस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो उसके संबंध में प्रस्तुत करें प्रतिवेदन। चार समिति में कौन कौन से दल में कौन कौन शामिल है? हाँ, इसमें झिरनिया तहसीलदार शामिल थे। इसमें खनिज की ओर से खनिज अधिकारी चौहान साहब ने रीना को नियुक्त करा था, पुलिस की ओर से झिरनिया थाना प्रभारी ने किसी को नियुक्त करा था। इस प्रकार से ये संयुक्त दल वहां पर जाकर के फील्ड में उसने मुआयना करा और इसका प्रतिवेदन मुझे प्रस्तुत करा। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।